हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अनीस आज आप लोगों को कलकेरिया सल्फ्यूरिका के बारे में बताएंगे, कलकेरिया सल्फ के बारे में बताएंगे। तो पहले भी हम एक और बायोकेमिक मेडिसिन कलकेरिया फॉस के बारे में बताए थे, दूसरा बायोकेमिक मेडिसिन है कलकेरिया सल्फ, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप ये जान जाए कि कलकेरिया सल्फ का पेशेंट जो होता है वार्म ब्लडेड पेशेंट होता है, मतलब यानी कि उसे सारी तकलीफ गर्मी में ज़्यादा होती है और ठंड में उसे आराम मिलता है। दूसरी चीज है वो पेशेंट, कलकेरिया सल्फ का पेशेंट बहुत ज़्यादा नखरेबाज होता है। तीसरा चीज है कि कलकेरिया सल्फ का पेशेंट अपने आप को हीन महसूस करता है और दूसरे को बेटर महसूस करता है। ये लुक हो गया कलकेरिया सल्फ का पेशेंट का, कलकेरिया सल्फ किसको देना, किस पेशेंट को ज़्यादा सूट करेगा। तो कलकेरिया सल्फ किस पेशेंट को ज़्यादा सूट करती है, तो कलकेरिया सल्फ अब ऐसे पेशेंट को पिंपल्स में भी बहुत ज़्यादा वर्क करती है, वायल्स में वर्क करती है, शरीर में कहीं भी अनवांटेड ग्रोथ है उसमें वर्क करती है। तो कलकेरिया सल्फ का फर्स्टली तो पेशेंट के बारे में जान जाए, वो वार्म ब्लडेड पेशेंट होगा, दूसरा नखरेबाज होगा, और किस चीज़ में चलती है, तो पिंपल्स में है, वाइल्स में है, सिस्ट में है, अनवांटेड ग्रोथ में है। इस समय कलकेरिया सल्फ का जो मेडिसिन है बहुत ही बायोकेमिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, ये मेन चीज़ है। उसके बाद तो पेशेंट को और तकलीफ देखा जाता है कि और क्या है पेशेंट को, लेकिन पेशेंट को जान जाने पर कि कलकेरिया सल्फ का पेशेंट है तो दवा होम्योपैथिक में सिंड्रोम को जानकर जो दवा चलता है उसको ज़्यादा सूट करती है। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थीम था वो हम आप लोगों को कलकेरिया सल्फ में अपने वीडियो के माध्यम से ये बताए हैं। आगे भी ये मेरा दूसरा बायोकेमिक मेडिसिन था, ऐसे ही हम आगे भी बताते रहेंगे। तो मेरा ये चैनल कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।